पकौड़ी हो गया लाइव हो गया सच्चाई सभी बुनियादों को। मैं प्रिंस दास गंगानगर से हूँ और ये वीडियो पर जेल नंबर दांदो के सामने आजाद नगर संत कबीर आश्रम जो धर्मशाला है धानक समाज का वहाँ पे बनाया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी भक्तों की तादाद लगी हुई है और जो कल यहाँ पे पैसी थी गुरुजी की वहाँ पे भी काफ़ी भक्त आए हुए थे और इस दौरान कल रात को यहाँ काफ़ी भक्तों का ठहरा हुआ था तो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज की इनकी मिलाई है तो इस दौरान काफ़ी भक्तों का तादाद है और हर एक भारत के हर एक कोने से भक्त आए हुए हैं जहाँ तक माना गया है कि भारत नेपाल से भी मतलब फॉरन से भी आए गए हैं तो काफ़ी भक्तों की आप तादाद देख सकते हैं इस तरफ भी काफ़ी भक्तों की संख्या में काफ़ी भक्तों की तादाद में आए हुए हैं तो और ये जो रात में जो रहने की व्यवस्था थी ठहरने की व्यवस्था थी वो इस तरफ से किया गया था कि रात में जो पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पर घिनौना ऐसा काम किया ये जरा सा भी इनको वो शर्म वाली बात नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पे छोटी माताएं बहनें ही थी उनके सामने छोटे छोटे उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने कल रात को जो इतनी बारिश आई थी तो उन्होंने जरा सी भी ये नहीं सोचा कि इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा और जो रात को जो बरसात हो रही थी उस दौरान इन्होंने ऐसा जहाँ पर ये जाट जो जाट छात्रावास उधर जाट का जो था वहाँ पर भी इन्होंने जो जाट धर्मशाला थी वहाँ पर भी इन्होंने जो है भक्तों को ठहराव नहीं किया गया और मैं खुद अपनी आंखों से देखा था कल मैं रेलवे स्टेशन पर वहाँ पे गया हुआ था तो वहाँ पर जैसा कि मैं जब देख रहा था तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उनका जो ये बोलने का चलने का बिहेव है ये बिल्कुल अलग है तो ये जो ये मीडिया प्रशासन ये जो हरियाणा सरकार है भ्रष्ट सरकार है हमें इनके सामने जो आवाज़ उठाते हैं हम कि कब पिछले 3 सालों से CBI जांच कर रही है ना ये CBI जांच कर रहे हैं बहुत जो हम लोग हम कभी भी हम जसिया जाट आंदोलन में गए थे वहाँ पे तो चलो वहाँ पे हम उनका शोक देने के लिए गए थे और अब हम यहाँ पे इनका कोई बुरा थोड़ी नहीं करने थे नाम तोड़ फोड़ करते हैं हम अपने शांतिपूर्वक यहाँ आते हैं हमारे गुरु जी के दर्शन करके और हम यहाँ से चले जाते हैं फिर भी हरियाणा सरकार की पुलिस इतनी गिर चुकी है कि मैं हर भारत के हर एक नौजवान हर एक भारत के नागरिक को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार है वो क्यों ऐसा काम कर रही है। मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि ये हमारा भारत देश है वो सबसे अलग देश है हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं अगर हम स्वतंत्र भारत के नागरिक होते हैं तो हमें आज़ादी का वो अधिकार क्यों नहीं है। मैं भारत सरकार से ये जानना चाहता हूँ आर्टिकल 51 के अंदर जो कहा गया है कि हर एक भारतीय स्वतंत्र का जो ये जो फंडामेंटल राइट्स है 5 है उसमें एक धार्मिक है रिलीजियंस अमेंडमेंट है उसके अंदर तो उन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि ये जो धार्मिक हमें हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारा हनन क्यों हो रहा है हम क्या भारत के वासी नहीं है हम भारत के वासी ये हम हर एक व्यक्ति से जानना चाहेंगे तो हमको यहाँ पर आके कोई इनका कोई बुरा नहीं कर रहे ना हम इनका बिगाड़ रहे हम अपना आते हैं हम खुद का खाना खाते हैं हमारे गुरुजी के द्वारा आश्रम से दिया जाता है खाना और हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठते हैं आराम से और हमारा यहाँ चला जाते हैं तो फिर ये ऐसी सरकार ऐसे भ्रष्ट नेता ये भ्रष्ट मीडिया ऐसा क्यों कर रही है। हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट से जो भक्तजन आए हुए हैं आप जी कहाँ से आए हो मतलब आप कहाँ से आए हो नहीं मतलब आप पूछ रहे हैं हम आपसे कहाँ से आए हो कहाँ से होशियारपुर पंजाब अच्छा ये भगत जी है जो होशियारपुर पंजाब से आए हैं आप देख सकते हैं काफी भक्तों की तादाद यहाँ पर लंबी लगी हुई है और ये धर्मशाला है दानक समाज का ये यहाँ पर भी काफी भक्तों की संख्या में तादाद भारी नजर आ रही है इस तरफ भी देखिएगा वो कहाँ हाँ इधर या इस तरफ ये जो दानक समाज का जो दे रखा है यहाँ पर भी काफी भक्तों की तादाद संख्या लगी हुई है तो हम इनसे बात करेंगे आप कहाँ से आए हो एमपी से आए हैं ये एमपी से आए हैं एमपी से कौन से जिले से आए हो एमपी पन्ना जिले से आए पन्ना जिले से और यहाँ पे मतलब यहाँ पे किस लिए आए हो आप गुरु जी के लिए आए हैं गुरु जी के लिए कब आए थे आप हम
परसों आए थे। तो आप रात की जो कहाँ ठहरे थे? रात को हम यहीं हिसार में रुके थे, रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पे आप कब तक थे वहाँ? वहाँ पर थे शाम तक ही थे वहाँ पे, पर पुलिस वालों ने भगा दिया वहाँ से। पुलिस वालों ने भगा दिया। कितने भक्तों की तादाद की संख्या थी वहाँ पे? वहाँ पे लगभग भगत जी 1000 भगत तो थे। 1000? तो उनके साथ क्या कैसा मतलब व्यवहार किया गया था पुलिस सरकार, पुलिस के द्वारा? वहाँ पुलिस भगा रही थी, वहाँ से भगा रही थी। तो फिर आप वहाँ भगाने के बाद फिर आप कहाँ गए? फिर हम वहीं पे घूमते रहे यहाँ वहाँ, फिर उसके बाद वहाँ भिवानी चले गए। भिवानी रेलवे स्टेशन से फिर वहाँ रुके रहे, फिर वहाँ से फिर आ गए यहाँ। अच्छा, फिर भिवानी से मतलब आप भिवानी आश्रम में रहे थे? जी। और फिर यहाँ पे सुबह आए जी, और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो द्वारा, वो आपके साथ कैसा व्यवहार था? यहाँ भी भगत जी रोक रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर भक्तों को पीट रहे हैं और आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आने मतलब आने नहीं दे रहे? नहीं, यहाँ नहीं आने दे रहे। अच्छा, तो रात आप मतलब वहाँ रेलवे स्टेशन थे, तो पुलिस के द्वारा कैसा व्यवहार, कैसा घिनौना व्यवहार था जरा आप बताएंगे? वहाँ तो पुलिस वाले भक्तों को पूरी तरह से डांट फटकार और मार भी रहे थे। अच्छा, मार रहे थे जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो ये हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं, इनके द्वारा कैसा घिनौना ये हरकत की जा रही है। जरा सी हरियाणा सरकार के कितने भी जो नेता लोग हैं, राजनेता लोग हैं, भ्रष्ट मीडिया है, इनके ऊपर जितने भी हम कहें हम कम नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से ये बच्चे, बूढ़े, बहन माताएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप देख नहीं सकते। अभी जिनसे हमें मुलाकात की वो मध्य प्रदेश से आए थे, तो उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया गया था। तो जिस प्रकार से ये हरियाणा सरकार के पुलिस प्रशासन है, और दिनों दिन जो बढ़ता जा रहा है इनका अत्याचार, हम भारत सरकार से क्या मांग करें। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि संविधान के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार है, तो फिर ये स्वतंत्रता का अधिकार है ये हनन क्यों हो रहा है? हम भारत सरकार से क्या जवाब मांगे भाई। हम पिछले 3 सालों से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ऊपर से ये अत्याचार कर रहे हैं, हम किन से मांगे? क्या हम अमेरिका जाएं? क्या अमेरिका जाएं? उनसे कहें कि हमें न्याय दो। राष्ट्रपति से बोल दिया न्याय दो या मौत दो। जंतर मंतर पे हमने धरना किया 700 दिन तक, वहां पर भी इन्होंने सुनाई नहीं की, वहां पर भी इन्होंने लठ बजाई, लेकिन फिर भी हमने सहे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश है, हमें किसी को मार पीटना नहीं है, किसी को मंदा नहीं बोलना, बुरा नहीं बोलना। जिस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर रात को रेलवे स्टेशन पर काफी भक्तों की तादाद के अंदर जो भक्त थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। तो अभी हम धार्मिक समाज जो जेल नंबर 2 आजाद नगर के पास है, यहाँ पर काफी भक्तों की तादाद है, तो हमें इनसे जानना चाहेंगे कि आप भक्त जी कहाँ से? अच्छा, आप कहाँ से? सिरसा से। और रात कहाँ थे? हम सुबह आए थे। सुबह आए, चलो ठीक है। बाकी यहाँ पर अभी बोलना, हाँ आप बोलिए। आपका नाम क्या? राजेश दास जी। आप कहाँ से हैं जी? गोरखपुर यूपी से जी। गोरखपुर यूपी में काफी हंगामा कर रखा है सरकार द्वारा, और यहाँ पे कब आए थे आप? यहाँ पे हम लोग कल आए। कल आए बेसी के दौरान हम लोग रुकने के लिए जाट धर्मशाला पे गए, तो वहाँ हम लोग रुके भगत जी, फिर धर्मशाला में जो भी उनका पैसे दे दिए। अच्छा, धर्मशाला जाट धर्मशाला में थे जी, 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 जी। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ भगत जी लगभग 10 बजे पुलिस जाती है। 10 बजे पुलिस जाती है, जाती वहाँ पे गाली देती है और सारे भक्तों को निकल जाए, गालियाँ भी देती है पुलिस। देखिएगा ये सर, अब इतनी गिर चुकी है मेरे पास, इन जो हरियाणा सरकार की पुलिस है उनको कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। बाकी आप हमें इनसे बातचीत करते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद जो है 10 बजे वहाँ पे आप गए, फिर क्या हुआ? वहाँ गए भगत जी, हम लोग वहाँ रुके थोड़ी देर में, ये हुआ कि भंडारा भोजन ले लो वहाँ पे, भोजन कुछ वगैरह ले रहे थे, पुलिस पहुँच गई, सबको खदेड़ने लगी। हम लोग वहाँ रात में निकले, वहाँ बारिश भी हो रहा था, भीगते हुए भगत निकले। अब ये बहुत ऐसी स्थिति, कहाँ जाए, छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, सभी लोग थे। ये भ्रष्ट तंत्र को समझ में आता क्या करना चाहता है। सही, हम लोग वहाँ रुक रहे हैं, हम लोग आते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं, किसी को कुछ, किसी का बुरा भला नहीं करते, फिर भी ऐसा बर्ताव हमारे साथ होता है। मतलब आपके साथ कितने भक्त थे वहाँ पे भगत जी? लगभग 500 भक्त। सभी लोग पानी में भीगते हुए बाहर आए, वहाँ किसी तरह से कोई बीमारी गया या कोई कहीं गया, किधर शिफ्ट हुए, रोते हुए निकले वहाँ से। ये स्थिति है।
तो जिस प्रकार से आपका नाम क्या होता है? राजेश दास जी से हम मिले और इन्होंने कहा कि हम मैं जाट धर्मशाला के पास वहां गए 10 बजे के आसपास ये गए वहां पे ये कह रहे कि जैसे हम खाना खाना शुरू किया इतने में पुलिस आ गई और वहां पे इन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने पैसे भी दिए हैं वहां पे ठहरने के लिए। क्या हम मैं भारत सरकार से ही जानना चाहता हूँ क्या कोई किराया दे के हम किराया दे रहे हैं बाकायदा हम ऐसे नहीं रह रहे और उसके बाद में भी ये हरियाणा सरकार पुलिसकर्मी वहां आते हैं और उनके हमारे साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं और वहां पर कम से कम 500 से अधिक 500 से 500 से अधिक इन्होंने बताया जैसे कि क्या आप जी रेलवे स्टेशन पे हम लोग थे वहां पे अलाउंस होता है कि रामपाल के जीप में ही भगत यहां से निकल जाए नहीं तो कानूनी कार्रवाई। अच्छा देखो ये और ये डरावना शख्स देखो ये कैसे कैसे शख्स बैठे हैं ये रेलवे स्टेशन पर भी कहते हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर यहाँ पर कोई भी रामपाल जी के भक्त यहाँ दिखे तो हम उन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। वाह कमाल कर रहे हो। ये हरियाणा सरकार अब क्या चाहती है? पिछले 3 सालों से तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमें सीबीआई जांच करो अब इनके कोई कानून असर नहीं है इधर से सुनते इधर से। लेकिन भारत सरकार हम ये जो सेंटर सरकार से डिमांड करते हैं ये तो स्टेट लेवल की सरकार है हरियाणा सरकार लेकिन सेंटर सरकार है उनसे हम क्या मांगे। और वो भी मोदी जी बड़े भाषण देते हैं बेटी बचाओ ये है वो है ढिमका फलाना। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रात को कम से कम आप आइडिया बता सकते हो कितनी महिलाएं थी बच्चे मतलब कितनी महिलाएं थी लगभग आधे 250 या 300 माताएं बच्चे कम से कम 300 से ज्यादा वहां पे महिलाएं थी और एक तरफ बच्चे भी थे उनके छोटे छोटे बच्चे। अब हम लोग सोच सकते हैं हमें दया तो आनी चाहिए छोटे छोटे बच्चे ऊपर से बरसात आ रही है कैर तोड़ दिया इन्होंने लठ बजा रहे हैं वहां पे है जरा सा भी इनको कोई वो नहीं है कि हम किस प्रकार से अरे वो छोड़ो आप छोटे छोटे बच्चों को देखो भाई हम यहाँ कोई बम बजाने थोड़ी ना आते हैं हमारे गुरु जी का आदेश हम यहाँ दर्शन करने आते हैं और हम यहाँ वापिस चले जाते हैं ना हम तोड़फोड़ करते हैं कोई। और मोदी जी का जैसे मैंने भी आपको 2 मिनट पहले कहा मोदी जी एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब बेटी बच्चे की नहीं पढ़ाएंगे कैसे भाई है? तो जिस प्रकार से ये अत्याचार कर रही है महिलाओं पे महिलाओं को एक तरफ तो कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा देते हैं दूसरी तरफ ये है कि महिलाओं को अत्याचार किया जा रहा है उनपे ऐसा घिनौना ये कर्म किया जा रहा है तो फिर ये हम किन से मांगे। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं ये जो लाइव चल रहा है पूरे भारत देश के वासी हैं हम जिनसे पूछना चाहते हैं कि हम किन से मांगे। फिर भारत सरकार के अंदर पास तो कोई जवाब है नहीं सीबीआई मांगो चाहे कुछ भी मांगो इन पे तो कोई कानून असर नहीं है। तो यहाँ पर काफी मैंने अभी 10 मिनट पहले मैं एक भक्त से मिला था नेपाल से आए हुए थे उन पे भी ऐसा अत्याचार किया महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से यहाँ ये जो अत्याचार किया जा रहा है हरियाणा सरकार बार बार यही कहना चाहूंगा हरियाणा सरकार क्या चाहती है हमें इनसे और पूछना चाहिए। हाँ जी क्या आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहनदास भगत जी है। मोहनदास जी है आप जी कहाँ से आए? राजसमंद जिला से राजस्थान से राजसमंद से आए हैं राजस्थान से आए हैं। हम कल रात को रेलवे स्टेशन थे 10 बजे बारिश बहुत बरस रही थी बारिश आ रही थी बारिश में सबको निकाल दिया बाहर बारिश में निकाला तो 10 बजे निकालने के बाद हम बाहर गए जैन धर्मशाला गए। अच्छा जैन धर्मशाला रात को 10 बजे बाद और बरसात आ रही थी बरसात बारिश में निकाल और पुलिस प्रशासन बाहर निकाल रही थी लट मार के बाहर निकाल दिया। अच्छा फिर जैन धर्मशाला में गए वहाँ खाना खाया भंडारा 100 रुपये थाली थी 100 रुपये 100 रुपये थाली में खाना ले जैसे खाने लगे और पुलिस वाले खाना भी नहीं खाने दी वहाँ से बाहर निकाल पैसे भी ले लिया पैसे भी ले लिए एडवांस जैन धर्मशाला से बाहर निकाल दिए बोलो। और फिर आप कहाँ डरे? फिर वापस वहाँ से भगते भगते धीरे छुपते छुपते एक दो करके प्लेटफॉर्म बाहर धोए बाहर होने के बाद 4 बजे फिर से वहाँ से भी 4 बजे वहाँ से बार बार पका दिया बोला अंदर जाओ आपकी गाड़ी आ रही है अंदर जाओ गाड़ी आ रही है अंदर जाओ वहाँ से पका दिया रात हो गया रात हो गया। फिर आप रात को कहाँ ठहरे? फिर रेलवे स्टेशन के बाहर ही ठहरे छुप छुप के रहना पड़ा दस दो लोग वहाँ से दो लोग यहाँ बाहर भी बारिश बगा रहे बाहर भी नहीं सुन दिए। आपने पैसे दिए आपको खाना भी निकालने दिया 100 रुपये थाली खाना जैन धर्मशाला 100 रुपये और खाना निकाले वहाँ से पका दिया वहाँ से पका दिया। हाँ अब आप खुद देख सकते हो मैं कोई इनको ये अब लोग पता क्या सोचते हैं ये जो रामपाल जी चले इनको पैसे दिए जाते हैं और इनसे बुलाया जाता है कि लठ मारे जाते हैं ये किया जाता है वो मैं राजस्थान गंगानगर जिले का प्रिंस दास और ये राजसमंद से राजस्थान से मैं पहले कभी आपसे मिला हूँ? नहीं पहली बार मिला। मैं इनसे पहली बार मिला हूँ। ये आप देख सकते हो इस तरफ काफी भक्तों की तादाद के अंदर है तो मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप इनसे अपन बहन जी आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? आप ज्योति आप कहाँ से हो? आप यहाँ पे कब आए? मैं कल शाम 2 बजे आए थे हम रात में। अच्छा रात को हाँ तो हम वही कह रहे सुबह के टाइम पुलिस वाले ने बोला आप लोग यहाँ से जाओ फिर हम मालिक के दर्शन के लिए आ रहे थे यहाँ पे तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं आपको नहीं जाना वापस चले जाओ।
मैंने कहा हमने दर्शन करके हमें चले जाने दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, नहीं आप जाओ हम यहाँ से जाने। आप पहले कहाँ पे गए थे? हम स्टेशन पे थे भैया, स्टेशन पे थे। फिर शाम को उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो जो यहाँ भगत हैं यहाँ चले जाओ, उनके पास कानून कार्रवाई होगी और यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा। अच्छा फिर आप कहाँ गए? फिर हम एक दो तीन धर्मशाला में गए भैया, तीन धर्मशाला मुझे नाम तो याद नहीं है। अच्छा धर्मशाला में गए हम, एक भक्त मतलब 25 भगत थे तो एक भगत से 50 रुपए लिया उन्होंने एक भगत का 50 रुपए लिया। वहाँ पे कितने भगत थे? हम 20-25 भगत थे। 20-25 थे। फिर वहाँ पे हम रुके और फिर सुबह हम 8 बजे फिर यहाँ पे आए। अच्छा यहाँ भी जैसे हम आते हैं हर बार आते हैं, पुलिस वाले ऐसे करते हैं, टॉर्चर करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम अपने परमात्मा के दर्शन करने के लिए हम इनसे कुछ कहते नहीं, कम से कम बहनों के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी इनकी दया नहीं आती कि हम भारतवासी नहीं है? हाँ हम अत्याचार क्यों करते हैं? क्या हम इनके बहन भाई नहीं है? हम सब तो भारत के वासी हैं, भारत के इंडियन लोग हैं। कोई हम बाहर से नहीं है, ये देशद्रोही का हमें इल्जाम लगाते हैं। क्या ये बताओ अगर हम सब देशद्रोही तो सबने हम गुरुजी के साथ हमें भी जेल में डाल दें, हमें क्यों बाहर घूम रखा है? बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आप लोग भी टेंशन खत्म, आई टेंशन खत्म, हम भी अपने गुरुजी के पास। ये बहन जी ज्योति बहन जी उत्तराखंड से आए हैं, इन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि हम वहाँ ठहरे, हमसे 50 रुपए एक धर्मशाला से लिए गए, फिर वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब ये हरियाणा सरकार चाहती क्या है? तो आप आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, जब हम मालिक की लीला हुई थी हम वहाँ भी थे, हम अपने मालिक के उसमें प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे बाहर बैठे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम अपने इन्होंने लाइट काट दिया था, पानी काट दिया, सब कुछ आश्रम में वहाँ भी ऐसे किया भी है इन्होंने। हम लोग बैठे थे आराम से अपने मालिक की वाणियाँ गा रहे थे, इन्होंने एकदम से आशुगैस की गोली छोड़ने शुरू कर दिए। आप बरवाड़ा कांड की बात कर रहे हो? आप वहीं पे थे? जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप इनसे आपके अब इनसे मुख से थूकते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ था वहाँ पे? आप जरा जैसे भी हम बैठे थे बाहर, हम लोग सभी लोग अपने मालिक की वाणियाँ गा रहे थे, तो इन्होंने एकदम से बोला आप लोग यहाँ से। कब का टाइम था, कितने बजे का, लगभग आपको याद हो तो? ये भैया टाइम तो मुझे याद नहीं, काफी टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब दिन था या रात? आपको ये तो दिन था, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरी बीमार भी थी, मुझे कैंसर अच्छा, की बीमारी भी थी। आपको कैंसर की बीमारी भी थी? अच्छा, सिर में कैंसर था, डॉक्टर ने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था, पर मालिक का जब मैंने 2011 में नाम दिया तो मालिक की दया से आज बिल्कुल नॉर्मल हूं। अब आपको कैंसर बिल्कुल भी नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं है। खुद सुनते हो, मैं तो राजस्थान का हूँ, ये उत्तराखंड से है। अब हम देख सकते हैं कि इनको कैंसर था, सर के अंदर था कैंसर। और अच्छा, नाम लेने के पहले हुआ ठीक या बाद में हुआ? बाद में हो गया। अच्छा मतलब नाम नहीं लिया उससे पहले ठीक हो गया? नाम लेने के बाद हुआ भैया, जैसे हम 2011 में नाम लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो 4-5 दिन के बाद मुझे रात में 12 बजे के करीब उल्टियाँ होती हैं। अच्छा अच्छा, और काला काला सा खून निकलता है, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु परिवार की जय हो। आप देख सकते हैं ज्योति बहन से कि इनको कैंसर की बीमारी है, जो लाइलाज बीमारी है। अगर इनका कोई टीका बनाते हैं तो ये अष्टकोणी के अंदर बदल जाता है या फिर षटकोणी, ये इनकी साइंटिफिक तरीका है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने नाम लिया, कितने दिन के अंदर ठीक हो गया आपको? मैक्सिमम 2 महीने का। 2 महीने? तो फिर गुरु जी ने कोई दवाई दी या फिर मालिक ने जो हमें मंत्र जाप दे रखी वो उससे किया और मालिक का आशीर्वाद देती है, मैंने बिल्कुल ठीक हो गई थी। अच्छा, और वैसे प्रेत बाधा भी थी मुझे। अच्छा, तो मालिक की दया से बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहली बार बल्कि ऐसा लगा जब परमात्मा ने दिया कि जैसे पता नहीं कितने कुंडलों का वजन मेरे शरीर पे से निकला और मैं मालिक की दया से आज बिल्कुल हर तारीख को भी आती हूँ और मालिक के कोई इसमें मतलब पीछे नहीं रहती। चलो आप, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से रात की जो बात हुई धरना, ये इन्होंने जैसा की बताया आपने, जैसे आंसू वाले की अभी बात की थी बरवाड़ा कांड की, वो क्या क्या मैटर था? मतलब वो मैटर ऐसा, तभी हम सब बैठे वहाँ पे मालिक की वाणियाँ गा रहे थे, तो उन्होंने एकदम से बोला आप लोग यहाँ चले जाओ। हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि हमारे परमात्मा जब तक ठीक नहीं होने देते हम नहीं जाने देंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे तो आप ले जाना। क्योंकि जब क्रोता आश्रम में हुआ था, जब भी मालिक हमारे तारीख पे गए थे, तो उन्होंने बस थोड़ा सा टाइम मांगा था कि मालिक आप ठीक हो जाओ जो हम जाने देंगे। मतलब अच्छा, मतलब आपके गुरुजी जो थे वो बीमार थे? उस पर बीमार थे जी, बीमार थे जी। और उनको वो पुलिस वाले आए आंसू गेल की, आप कह रहे हो आप लोग यहाँ से चले जाओ, हमारी जो गाड़ियाँ थी वो भी जला दिया उन्होंने, गाड़ी में भी फोड़ कर दी और गाड़ी का भी बहुत बुरा हाल कर दिया। आपको कहीं पैसे तो नहीं दे रही है बोलने के? जी बिल्कुल नहीं। देख आप देख सकते हो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, इनसे पूछ रहा हूँ बाकायदा। बल्कि हमारे गुरु जी पे आरोप भी लगाए थे इन्होंने कि उन्होंने बंधक बना रखे थे। देखो ये मैं खुद कह रहा हूँ, मीडिया सरकार बहुत भ्रष्ट है, क्योंकि जो मैंने खुद देखा है वो कह रहे हैं कि जो रामपाल के समर्थक है, जो भक्त है, बरवाड़ा कांड की जो लीला में वो आए थे, जो बरवाड़ा कांड हुआ था 2014 के अंदर 18 नवंबर को, और उन्होंने कहा
कुछ जो मीडिया कर्मी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जो इनके भक्त है उनको बंधक बनाया गया है, उनको अंदर बांध दिया गया है, बाहर नहीं निकले दिया, क्योंकि उनका समर्थन था। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इनके इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। भैया हम अपने, देखो हमारे परमात्मा है, हम अपने परमात्मा के लिए जान से भी खेल जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ये देखो, अगर मालिक ने हमें बंधक बना रखा तो आज हमारे लाखों की संख्या में हमारे भगत आते हैं। बिल्कुल, क्यों आते हैं, हमारे भगवान है। जब तक अगर हम सिर्फ यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे परमात्मा को बाइज्जत बलि किया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ यही मांग करना चाहते हैं मोदी सरकार से कि हमारे गुरु जी को जितनी भी आरोप लगे हैं उनकी CBI से या तो जांच करे और नहीं बाइज्जत बलि, बस हम यही चाहते हैं। चलो ठीक है बहन, और देख सकते हैं इन्होंने भी अपना जो बयान दर्द किया है, किस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं रात को वहां ठहरी, वहां उसके बाद में क्या हुआ, काफी भक्तों के आप देख सकते हैं। और भैया एक बात और, हाँ, जैसे आरएसएस के गोले उन्हें जरा सी भी मतलब हुआ नहीं, बहनों मेरे सामने एक बहन खड़ी छोटे बच्चों को भी, मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चों को भी दया नहीं आती, नहीं कि इनके भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्या इनपे भी दया नहीं आती, क्या इतनी निर्दयी हो गई हमारी भारत सरकार। जब वोटिंग होती है तो हमारे सब भाइयों बहनों से हाथ पैर की जोड़ के वोटिंग ले जाते हैं और फिर बाद में हमारा क्या करते हैं, क्या हम भारतवासी नहीं, क्या हमारा कुछ राइट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अधिकार है कि हम स्वतंत्र रूप से रहे, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से बहन ने अपना दर्द बयां किया है उसी प्रकार से एक भाई से और मिलना चाहेंगे, ये इनसे पूछना चाहेंगे कि हाँ, आपका नाम क्या भाई? पवन दास। आप कहाँ से आए हो? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर से हो? अच्छा, आप कब आए यहाँ पे? कल परसों आए थे हम। परसों आए थे? अच्छा, फिर रात को कल कहाँ ठहरे? कल रात को हम विश्वकर्मा धर्मशाला में ठहरे थे, वहाँ से रात को करीब 7-7:30 बजे के आसपास पुलिस आई और सब भक्तों को वहाँ से मतलब निकाल दिया और पानी बरस रहा, वहाँ पर पानी बरसात, मतलब बरसात हो रही थी, हाँ इतनी ठंड, हाँ परेशान हो गए लेडीज, इसमें छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग बहुत परेशान हो गए, और पता नहीं फिर वहाँ से स्टेशन से भी भगा दिया गया उनको और बहुत परेशान किया प्रशासन ने। आप कल कहाँ ठहरे थे? आप कल रेलवे स्टेशन थे या कहीं और कहीं ठहरे? हम तो फिर बाहर, यहाँ से बाहर ठहरे थे, यहाँ पर ठहरने नहीं दिया हमको, हम यहाँ से बाहर चले गए। तो भक्तों के साथ कैसा मतलब व्यवहार किया गया था? बहुत मतलब डरा रहे थे भक्तों को, एक तरह से तानाशाही है, तानाशाही फरमान, एक तरह से डरा रहे थे सबको पूरी तरह से। आप की कौन सी धर्मशाला में ठहरे थे? हम भगत जी यहाँ से बाहर चले गए थे, होटल में ठहरे थे, धर्मशाला में तो ठहरने पे परेशानी हो रही थी, एक धर्मशाला में गए वहाँ पे भी हमको मना कर दिया कि नहीं ठहरने। वहाँ से आपको कौन सा धर्मशाला मतलब क्यों मना किया गया था? पता नहीं क्या, किस लिए मना किया, शायद हो सकता है प्रशासन का उनके ऊपर, हाँ वो फोर्स हो सकता है, हो सकता है फोर्स हो तो शायद उन्होंने मना कर दिया हो। तो जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने बताया कि रात को भी काफी बरसात हो रही थी और जो पुलिस प्रशासन है इनका कैसा व्यवहार है भक्तों को, कितनी लंबी तादाद के अंदर भक्त है उनको, कोई भी धर्मशाला के अंदर जाए वहां पर ये पहुंच गए। और कल मैं जब यहाँ से जा रहा था तो एक अपने पार्क था वहां पे मैं ठहरा था, उनपे भी काफी पुलिसकर्मी आए और उनको उनपे जोर जोर से लट बजाना शुरू कर दिया, बोले कि यहाँ से दफा हो जाओ, ये वो, मतलब हर एक बात उन्होंने जो नहीं कहनी थी गालियां निकाली। तो ये सब क्या है, तानाशाही राज है, हरियाणा सरकार का तानाशाही राज है पिछले 3 सालों से। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप सब लोगों से, मैं प्रिंस दास गंगानगर राजस्थान से आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं इनको नहीं जानता, क्या मैं कभी आपसे मतलब आप मेरे से कभी जानते हो? पहले हम पहले देखो किस प्रकार से इन्होंने बताया, इन्होंने अपना दर्द बयां किया, जो दीदी ज्योति दीदी थी उत्तराखंड से थे, ये राजस्थान से है, चलो आपको ये भी लगेगा कि राजस्थान से, तो राजस्थान भी बहुत बड़ा है भाई। तो हम लोगों से, आप लोगों से ये बात क्यों शेयर कर रहे हैं, ये हर एक भारत के वासी तक जानी चाहिए बात कि जो हरियाणा सरकार है, जो खट्टर सरकार है, जिस प्रकार से ये प्रताड़ित कर रहे हैं, तानाशाही राज चल रहा है पिछले तीन सालों से मैं बार बार क्या कह रहा हूं, पिछले 3 सालों से ये जो
दुर्घटना घटनाएं घट जा रही है। जंतर मंत्र पे धरना था, वहां पर इन्होंने तानाशाही की। हम यहाँ आते हैं, पेशी पे आते हैं, फिर यहाँ पर तानाशाही होती है। हर एक, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, कहते हैं कुछ लोगों के मैंने मुंह से सुना कि इनको तो पैसे दिए जाते हैं तो ये बोलते हैं। मैं अगर ये कितने कितने भक्तों से मैंने मिलाया, उनसे बातचीत की, हर भारत के हर एक स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं भक्त हैं, और भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में आएंगे। और अभी मैं नेपाल से भी भक्त काफी आए हुए हैं, तो हम एक भक्त से मिलना चाहेंगे, इनसे मिलेंगे। अब मैं इनको नहीं जानता, कभी भी पहले नहीं मिला, और इनसे मिलेंगे। आपका नाम क्या है? पवन दास। पवन दास जी, आप कहाँ से हो? सिडकुल, उत्तराखंड, हरिद्वार। ये देखिए, उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड से। आप यहाँ पे कब आए? परसों शाम को आए थे। अच्छा, परसों शाम को आए थे। रात को कहाँ ठहरे? परसों रात को, रात में स्टेशन पे ही रुके, लेकिन रात में फिर वहाँ से हमको भगा दिया गया। फिर हम हिसार में ही एक धर्मशाला में रुके। और कल रात का क्या, मतलब क्या चाल चलन था? मतलब आपको कहाँ थे कल रात में? धर्मशाला में। धर्मशाला कौन सी धर्मशाला थी? ये नागोरी गेट पे तायल धर्मशाला है। और कैसे, कितने पैसे पूछ लिए वहाँ पे? एक सेकंड, 50 रुपए पर हेड हमने दिया। हम 25 लोग थे वहीं से, सिडकुल से, हरिद्वार से। 50 रुपए पर हेड हमने दिया, वहाँ पे रुके हम 2-3 कमरे लेके। 50 रुपए? अच्छा, फिर सुबह वहाँ से आए। आप यहाँ आए जेल नंबर 2 की तरफ, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कैसा रुख था, मतलब कैसा व्यवहार था? प्रशासन का व्यवहार तो यही है कि जहाँ भी हम लोगों को देखते हैं वहाँ से भगाने की सोचते हैं कि यहाँ से भगाएं इनको, यहाँ रुकने लगे। क्या कारण हो सकता है आपको कुछ इसके बारे में? कारण तो वही जान सकते हैं खुद। नहीं, आप यहाँ आए हो, आपको पता होना चाहिए। आप कितने, मतलब नाम ले रखा है आपने, कितने दिन हो गए आपको? करीब 2 साल। 2 साल हो गए। आप कब, कितनी बार आए हो यहाँ पे? निसार अक्सर आते रहते। अक्सर आते हो, तो आपके साथ कैसा व्यवहार? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बार बार क्या पूछ रहा हूँ मैं? व्यवहार इनका ठीक नहीं है। ठीक नहीं है प्रशासन का। ये उत्तराखंड से है, इन्होंने भी जैसा कहा कि हरियाणा सरकार की जो पुलिस है, हरियाणा सरकार जो जिन पुलिस प्रशासन है हरियाणा की और हिसार जिले की, ये जो पुलिस प्रशासन है इनका भी व्यवहार अच्छा नहीं है। ये गालियां देते हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? सुनेंगे आपका। आपका नाम क्या है? पवन दास, धार जिले से हूं। पवन दास, कहाँ से हो आप? धार जिले से। अच्छा, कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। मध्य, ये पवन दास जी आए हैं मध्य प्रदेश से। आपका क्या कहना है? आप यहाँ पे कब आए? परसों आए थे। अच्छा, क्या हुआ? तो हमको सब पुलिस वाले बोले गए कि यहाँ गाड़ी नहीं खड़े रखनी, तो हम उधर गांव में ले गए थे गाड़ी। अच्छा, तो आप गाड़ी में आए थे? जी हाँ। तो गाड़ी वालों ने बोला, तो हम जब उधर जब गाड़ी खड़ी करे थे, तो वहाँ पर एक आदमी आया था, उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्यों खड़े रहे और किससे पूछा। तो हमने उनसे बोला कि अब हमने गाड़ी तो खड़ी कर दी, यहाँ तो आप किराया ले लो, यहाँ तो हम गाड़ी लेके चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो बोले किससे? हमने बोला संत रामपाल जी। बोले संत रामपाल जी महाराज से। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर रात को कहाँ ठहरे? मतलब रात को हम उधर फिर बाहर खड़ी करी हमने ढाबे से बाहर, क्योंकि अच्छा। चाची हमारे गाड़ी छुपा के खड़े। अच्छा अच्छा। तो फिर सुबह आए इधर, तो फिर वो कहाँ कहाँ पर आए सुबह आप? हाँ, अच्छा, ये दानिक समाज जो है, हाँ, कबीर पंथी का जो छात्र, हाँ, फिर तो आग लगाने की बोल रहे थे। आग लगाने की बोल रहे, तो हमको बोल क्या आग लगाने की, मतलब गाड़ी में आग लगाने की? गाड़ी की आग लगा देंगे, नहीं तो गाड़ी फोड़ तोड़ देंगे। ये आप बताइए क्या क्या हुआ, क्या क्या मतलब? मेरा नाम प्रीतम दास है। ये प्रीतम दास है, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश यूपी से आए हैं, झांसी जिला से। सर, हमारी 4 बोलेरो थी, मतलब, और 2 पिकअप थी। ये कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी लेके आए, 2 पिकअप, और इन्होंने क्या कहा कि हमारी गाड़ी जलाने की, कौन जलाए गाड़ी? हम कौन? हरियाणा में कुछ लोकल थे बंदे जो हमको। अच्छा, देखो पुलिस तो पुलिस, अब यहाँ के जो वासी हैं, मतलब हिसार के जो रहने वाले व्यक्ति हैं, वो भी कहते हैं हम आपकी गाड़ी जला देंगे। क्यों, आपके पैसे नहीं, हमारे पैसे नहीं लगे क्या, ऐसे जला देंगे? चलो फिर क्या हुआ? लोकल के तो धमकाने लगे, हरियाणा में स्टेट में कहीं भी एंट्री नहीं होगी, यहाँ बताना नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ आपको धमकाया भी जा रहा है? अच्छा, फिर क्या हुआ? हरियाणा में तुम लोगों की एंट्री नहीं होगी, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी जला दी जाएगी जल्दी से जल्दी। लोगों ने ये कहा कि आपकी गाड़ी जला देंगे, यहाँ नहीं आना। तो आप यहाँ जब आए,
तो पुलिस का कैसा रुख था यहाँ पे? पुलिस वाले हम लोग दंड पे प्रणाम कर रहे थे गुरु जी को, तो पुलिस वाले हम लोग धक्का भी मारने लगे, भगाने भी लगे, डराया धमकाया। तो हम लोग हमारे साथ माता बहने भी रहती तो गाली। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ माता ही बहने थी, उनके साथ कैसा व्यवहार था? उनके साथ भी बुरा व्यवहार होता है, गाली गलौज भी करते कि कहाँ कहाँ से आया, तो हम तो यहाँ की जगह हमारे गुरु जी के लिए आशीर्वाद लेने यहाँ की जगह। हमारे जो रोग बीमार रहता है मालिक के आशीर्वाद से दूर होते हैं, और हमारे गुरु जी जो ज्ञान देते हैं वो। आपके साथ माता बहने थी तो उनके साथ कैसा व्यवहार था? मतलब उनको भी गाली गलौज, गाली से बात करते कि कहाँ कहाँ से आ जाते, यानी हमें भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो ये ऐसा व्यवहार हरियाणा सरकार के जो पुलिसकर्मी है, हरियाणा सरकार है, तो इस प्रकार से इन्होंने हम मानना चाहेंगे। आपका इनका भी कुछ कहना है, आपका नाम क्या है? मेरा गोविंद दास है। चलो गोविंद दास है, इनका क्या कहना है देखिएगा। सुबह कल हम गाड़ी से उतरे, कब आए यहाँ पर? कल सुबह आए थे, जैसे गाड़ी से स्टेशन उतरे थे, स्टेशन से रवाना होके गुरु जी के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो उस गाड़ी लेके पुलिस वाले आए थे दो जने। तो एक पुलिस वाला खड़ा होके, ओ भाई दादागिरी, जैसे जोर से आवाज से लगा के कौन कह रहा था? कौन पुलिस वाले? पुलिस वाले कहां पे, कहां की बात है? स्टेशन की बात, रेलवे स्टेशन। अच्छा, फिर हमारे को वापिस भगाने की कोशिश किया, तो हम धीरे धीरे चल रहे थे, तो पीछे से पुलिस वाले ने आके लट मार दिया भगत जी को। क्या बात कर रहे हो? बहुत जोर से लट मार दिया था, फिर यहाँ बोले कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या बुरा हाल हो जाएगा। इसी तरह पर हमारी माता है बहने सबको मारा जा रहा है और पीटा जा रहा है भगत जी, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 20-25 जने थे भगत जी, हम छोटे 10-15 तो माता बहने थी, बूढ़े थे, बच्चे थे छोटे छोटे, उसको ले लेके भगत लट मार रहे भगत जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है। रात को कहाँ इन्होंने दर्द बयां किया है, इन्होंने कौन थे जो आपके साथ है, जिन्होंने आपने कहा कि उनके साथ लट मारे हैं, कौन थे वो? अभी तो भगत जी वो चले गए, घर चले गए कल स्टेशन से शाम की गाड़ी से, लेकिन यहाँ पे व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा भगत जी। हर एक यहाँ हर एक व्यक्ति से, हर एक जो भक्त भाई है उनसे हर एक इंटरफेस किया जा, हमारे लट बजा रहे हैं, कोई उनके साथ आना सही है। ये हरियाणा सरकार अब क्या चाहती है? 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ना तो इन केसों की सीबीआई जांच हो रही है, ना इन पर कोई कार्रवाई हो रही है, बल्कि हम यहाँ आते हैं अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए, और ऊपर से हम पर ही तानाशाही व्यवहार किया जा रहा है। तो देखते रहिएगा, और इस प्रकार से इतने सारे भक्तों भाइयों को हमने जो बताया गया, इतना इंटरफेस किया गया कि किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जाता है। रात की बात, इतनी बरसात हो रही थी, फिर भी लोगों जो भक्त है, भक्त भाई आए हैं, इनके साथ कैसा रुख किया जा रहा है। मेरी तारीख थी कल 11 तारीख में, 428। अच्छा, इनकी 428 तारीख पैसी भी थी इनकी, और इनका आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, मैं कल स्टेशन पे आया तो दो पुलिस वाले खड़े थे, तो मैंने कि मेरे को तारीख भी आना है, मेरी तारीख बोले कोई तुम्हारी तारीख बैग लेके इतनी। देखो, हर एक भक्त भाई से मैं अलग अलग फेस कर रहा हूँ, आप मेरे को जानते हो, पहले कभी देखा? कभी नहीं देखा। क्या मैं आपको पैसे दिए? नहीं दिए। क्या कोई और पैसे देता है आपको बोलने के? नहीं देता। अच्छा, फिर बताइए क्या हुआ? तो बैग छीन के फेंक दिया मैंने, कि मेरा उसमें चार्जशीट रखी हुई है केस की। अच्छा अच्छा, आपको चार्जशीट दिखा सकते हैं आप? मतलब यहाँ पर 428 केस लगा हुआ था, आप भी आया हुए थे? हाँ, आपकी तारीख थी? तारीख थी। अच्छा, तो उन्होंने बैग लेके छीन लिया, तो एक पुलिस वाला आया, बोला भाई अपना बैग लेके जा, तो कोई तारीख नहीं है। अच्छा, तो मैंने तारीख के लिए बैग निकाला, बैग लेके मैंने चार, आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? चार्जशीट निकाल के मैंने कहा ये देखो चार्जशीट है मेरी केस की, बोले आप जा रहा है नहीं जा रहा है? उसने आपके साथ भी ऐसा व्यवहार? ऐसे लाठी मारी, तो मैंने कहा ठीक है ये कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, मैं तो आज पाया था, मेरी तो पेशी हो चुकी। अच्छा, अभी अगली बार आऊंगा वकील साहब को बोलूंगा कि मैं आप डिटेन करवा सकते कैमरे से, यहाँ की बात है। अच्छा, स्टेशन की बात, स्टेशन की बात है। अच्छा, तो बोले वो मैं आपकी डिटेन करवा के कोर्ट में पेश करूंगा, फिर बोला ठीक है चल मैं तेरे को अकेले को निकाल रहा हूँ, जब ऑटो में बैठा के कोर्ट जाने। इतना ताना सही व्यवहार, हर एक भक्त भाई के साथ इतना बुरा घिनौना व्यवहार किया जा रहा है हरियाणा सरकार के पुलिस कर्मियों द्वारा। हर एक अलग अलग भक्तों से मैंने मुलाकात की और बातचीत की है, उनके हर एक हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये यूपी कानपुर से, आप क्या कहना चाहोगे? 13 भक्त है, इनका दर्द हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी, हम लोग जैसे स्टेशन पे आए तो पुलिस वाले ने वहाँ घेरा, जैसे आए, आने के बाद जो कुछ समय दी था, रात में धर्मशाला में गए जाट में,
अच्छा अच्छा धर्मशाला है वहाँ गए, वहाँ पैसे जमा किए, पैसे जमा करने के बाद करीब 11 बजे उन लोगों ने इस बुरी तरह से निकाला कि हमारे सब सदस्य खो गए। आपके साथ कितने भक्त भाई थे? 13 लोग थे। 13 थे, कितनी माताएं बहने थी? 3 2000 2000। अच्छा, तो इनके साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया है हरियाणा सरकार, हर एक पुलिसकर्मी जो ताना सही व्यवहार कर रही है, बहुत बुरा व्यवहार किया जो कहा नहीं जा सकता है। पुलिस ने इतना वहाँ व्यवहार किया था बुरा, क्या यहाँ सरकार नहीं जानती? पुलिस प्रशासन नहीं जानता कि हमारे भाई हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, हमारी माताएं बहनों के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। मोदी सरकार एक तरफ तो फिर कह रही है माताओं बहनों बेटी बचाओ बेटी, ये कैसे बचाएंगे बेटी, किस प्रकार से बचाएंगे जब महिला अलग अलग भक्तों ने अपना दर्द व्यक्त किया है इसी प्रकार से। काफी लंबा हो गया, सोचो भगवान।